नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे इस चैनल लेट्स टॉक एनवायरनमेंट में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पर्यावरण क्या है, व्हाट इज़ पर्यावरण, ये व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, ये वीडियो आपने देख लिया होगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू, ये दोनों आपने देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो अब हम मित्रों आगे चलते हैं और बात करते हैं आज पारिस्थितिकी के इतिहास के बारे में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिए वीडियो, आपको सुन करके बहुत आनंद आएगा। तो हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी कैसे आगे बढ़ी, इतिहास में कैसे कैसे रिसर्च हुई और कैसे कैसे इकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके इकोलॉजिकल स्टडीज को आज यहां तक पहुंचाया। जो इंपॉर्टेंट इकोलॉजिस्ट रहे उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का इतिहास। तो मित्रों सबसे पहले इसमें जो नाम आता है वो आता है थियोफेस्ट्रस का। थियोफेस्ट्रस चौथी सदी ईसा पूर्व, यानी कि 4th century BC, बहुत पौराणिक काल, पुराना काल। तो उस समय ये अरस्तु के फ्रेंड थे, जो एरिस्टोटल हैं, जिनको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं। तो ये एरिस्टोटल के फ्रेंड थे, उनके एसोसिएट भी थे, उनके साथ में काम करते थे, दोनों दार्शनिक थे, फिलोसफर्स थे। तो ये जो नए कंसेप्ट लाते थे, साथ में ये लोग वर्क भी करते थे। तो थियोफेस्ट्रस ने सबसे पहले यह बताया कि जो प्राणी हैं, जो समुदाय हैं, वे और उनका जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उससे उनका संबंध होता है। प्राणी अकेला नहीं है, बल्कि वह अपने पर्यावरण से संबंध स्थापित करके इंटर रिलेटेड रहता है, इंटर रिलेशनशिप होती है, कम्युनिटी, प्राणी और फिर एनवायरनमेंट के बीच में। तो ये एक सबसे पहली स्टडी हम कहेंगे जो कि थियोफेस्ट्रस ने दी थी 4th century ईसा पूर्व में। इसीलिए थियोफेस्ट्रस को सबसे पहला इकोलॉजिस्ट माना जाता है। अब उसके बाद इतिहास काफी आगे बढ़ा और हम मॉडर्न टाइम्स में आ जाते हैं। ये तो एंशियंट बात होगी, मॉडर्न टाइम्स में आते हैं तो कैसे इकोलॉजी हिस्टोरिकली आगे बढ़ी, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था अर्नस्ट हैकल के बारे में, जिन्होंने 1869 में इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था और उसको आगे बढ़ाया था, इकोलॉजी को, उसके प्रणेता थे ये। तो उसके बाद अब हम और आगे की चर्चा करेंगे। अब मित्रों हम आते हैं 1877 में, यहां पे इंपॉर्टेंट नेम आता है के मोबियस का। ये एक जर्मन इन्वेस्टिगेटर थे। तो इन्होंने जो ऑयस्टर बैंक होते हैं, जो ऑयस्टर, जो सीप होता है जिसके अंदर वो मोती होता है, तो वो जो ऑयस्टर बैंक्स होते हैं उसकी जो कम्युनिटी होती है उसके बारे में एक इकोलॉजिकल स्टडी की इन्होंने। तो इनकी भी स्टडी, ये जो इकोलॉजिकल स्टडी है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इतिहास में। स्टीफन ए फोर्ब्स का नाम आता है। स्टीफन ए फोर्ब्स भी एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1877 के 10 साल बाद 1887 में इन्होंने लेक कम्युनिटी का अध्ययन किया। जो पॉन्ड होता है, पोखरे होते हैं, बड़े बड़े तालाब होते हैं, तो इन्होंने जो एक लेक था उसका अध्ययन किया, उसमें लेक कम्युनिटी है, जैसे लेक में कई कम्युनिटियाँ होती हैं, जैसे
मछलियाँ होंगी, बड़ी मछलियाँ होंगी, छोटी मछलियाँ होंगी, प्लैंक्टन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, फिर अन्य इंसेक्ट्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे, दूसरे एक्वाटिक प्लांट्स होंगे। तो ये सब एक कम्युनिटी एक इस तरह से रहती है जैसे कि उनका अपना एक पूरा संसार उभरा पूरा। तो उन्होंने लेक कम्युनिटी को पढ़ा और उसे एक माइक्रोकॉस्म माना, अपना एक पूरा एक माइक्रो संसार है, पूरा एक माइक्रो ब्रह्मांड है माइक्रोकॉस्म। तो इस प्रकार की इन्होंने स्टडी की 1895 में। 1895 में एक डैनिश बॉटनिस्ट थे J.E.B. वार्मिंग, तो इन्होंने प्लांट कम्युनिटी के बारे में, जो वानस्पतिक समुदाय जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उस प्लांट कम्युनिटी के बारे में इन्होंने स्टडी की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल स्टडी रही है। इसके बाद फिर ये इतिहास आगे बढ़ता रहा। इतिहास के आगे बढ़ने पर फिर अगली स्टडी आती है सी.सी. एडम्स की। सी.सी. एडम्स भी एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो मिशिगन क्षेत्र है वहाँ पर एनिमल कम्युनिटीज़ का इकोलॉजिकल सर्वे किया, जितनी भी एनिमल कम्युनिटीज़ हैं उनका। जो आइल रॉयल है लेक सुपीरियर में, वहाँ भी इन्होंने जो एनिमल कम्युनिटीज़ थी उनका इकोलॉजिकल सर्वे किया। और इनका ये वर्क 1906 और 1909 में पब्लिश हुआ। मित्रों, इसके बाद नाम आता है V.E. शेलफोर्ड का। इन्होंने 1913 में टेम्परेट अमेरिकन रीजन्स जो हैं, टेम्परेट रीजन्स जो कि शीतोष्ण रीजन होते हैं, ठंड, जहाँ पे ठंडा वातावरण होता है, कूल टेम्परेचर होता है, शीतोष्ण जलवायु जो होती है, तो जो अमेरिका के जो शीतोष्ण टेम्परेट रीजन्स थे वहाँ जो इकोलॉजिकल एनिमल कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे पाई जाती हैं, उन एनिमल कम्युनिटीज़ का इन्होंने अध्ययन किया। इसी के आगे चार्ल्स एल्टन ने 1927 में कम्युनिटी डायनेमिक्स के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अध्ययन किया। जो समुदाय होते हैं, समुदाय में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उनकी जो डायनेमिक्स होती हैं पूरी, उसके विषय में, एक समुदाय के विषय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट अध्ययन पेश किया। अब 1927 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 1935 में। 1935 में आर्थर टांसले का वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था जिसको कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो पारिस्थितिकी तंत्र को हम पढ़ते हैं, उसका जो अध्ययन करते हैं, वो टांसले की देन है। टांसले एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने इकोसिस्टम पे बहुत वर्क किया और इनका वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब मित्रों, इकोलॉजी का इतिहास और आगे बढ़ा और 1939 में, 1939 में एफ.ई. क्लेमेंट्स और V.E. शेलफोर्ड का नाम आता है इम्पॉर्टेंट। तो एफ.ई. क्लेमेंट और V.E. शेलफोर्ड ने ये कहा कि जो कम्युनिटीज़ हैं, जो बायोटिक कम्युनिटी है, वो एक यूनिट है। क्योंकि इससे पहले जो इकोलॉजिस्ट थे वो ये एनिमल यूनिट, एनिमल कम्युनिटी, प्राणी समुदाय एक अलग इकाई, वानस्पतिक समुदाय एक अलग इकाई, अलग अलग जो समुदाय हैं वो अलग अलग इकाइयों के रूप में लिए जा रहे थे। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो बायोटिक कम्युनिटी है, चाहे वो प्राणी समुदाय हो, चाहे वो वानस्पतिक समुदाय हो, ये सारा का सारा एक सिंगल यूनिट माना जाए। इन्होंने अपना वर्क बायो इकोलॉजिक में पब्लिश किया 1939 में। अब मित्रों, नाम आता है फ्रेंच नेचुरलिस्ट का, जॉर्ज एल.एल. बफॉन, और जर्मन नेचुरलिस्ट का अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन दोनों का जो कार्य है वो ज्योग्राफिकल इकोलॉजी के क्षेत्र में, ज्योग्राफिक इकोलॉजी, यानी कि जो भूगोल है, भौगोलिक स्थितियां जो हैं, मैंने आपको पहले भी भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा की है प्राणी के, तो जो भौगोलिक स्थिति है, जो भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है प्राणियों का, एशियाटिक लायन कहाँ है,
अफ्रीकन लायंस कहाँ हैं, पेंगुइन्स किस ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। इस तरह से अलग अलग प्राणी किस किस भौगोलिक स्थिति में कहाँ कहाँ पर है, तो उसका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको जो ज्योग्राफिकली बांटना था, वो इन्होंने कार्य किया। अब 1939 में एफी क्लेमेंट और वी शेलफोर्ड का जो इंपॉर्टेंट काम था वो बायोम को लेकर के भी था। बायोम अर्थात एक बड़ा, एक विस्तृत क्षेत्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा है, छोटे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, लेकिन जो एक विस्तृत क्षेत्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं बायोम के रूप में, इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। तो वो जो बायोम की स्टडी थी वो भी एफी क्लेमेंट्स और वी ई शेलफोर्ड के द्वारा दी गई 1939 में। मित्रों, मैंने आपसे पॉपुलेशन की भी चर्चा की थी, पॉपुलेशन क्या है, उसके डायनेमिक्स क्या हैं। तो पॉपुलेशन के क्षेत्र में, जनसंख्या के अध्ययन के क्षेत्र में जो उसके प्रणेता रहे, जो इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो आता है मालथुस का। मालथुस ने पॉपुलेशन की स्टडी की 1798 में, और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टडी की कि जो जनसंख्या है वो फूड आधारित होती है, खाद्य पे आधारित होती है। अगर उसको फूड ज़्यादा मिलेगा, खाना ज़्यादा होगा, तो जनसंख्या बढ़ने की दर अधिक होगी, और अगर खाना कम होगा तो जनसंख्या की दर घट होगी, इन दोनों में घटत होगी, इन दोनों में एक प्रपोर्शनेट, एक जो है मिला जुला असर दोनों का होता है। तो ये मालथुस ने स्टडी किया। इसी तरह से कंपटीशन एंड प्रिडेशन, यानी कि प्राणी जो कंपीट करते हैं आपस में रिसोर्सेस के लिए, आपस में जो उनका पानी के लिए, खाने के लिए, शिकार के लिए, जो वो आपस में जो संघर्षशील रहते हैं वह, और जो प्रिडेशन होता है, उनका जो शिकार होता है, शिकार होने से पॉपुलेशन पे असर आता है, घट जाती है शिकार जो पॉपुलेशन है वह, तो इसका क्या असर होता है पॉपुलेशन पे, ये डार्विन ने भी स्टडी की। तो डार्विन की भी पॉपुलेशन स्टडी इंपॉर्टेंट है, और इसका असर उसके इवोल्यूशन पे क्या होता है, तो डार्विन की भी इवोल्यूशनरी स्टडीज, पॉपुलेशन स्टडीज इंपॉर्टेंट हैं पॉपुलेशन के संदर्भ में। अब जनसंख्या के क्षेत्र में एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है पर्ल का, 1925। इन्होंने मैथमेटिकल स्टडी की, जो पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी इन्होंने मैथमेटिकल स्टडी की है। अब जनसंख्या के क्षेत्र में नाम आता है लोट का 1925 और वोल्टेरा 1931। इन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव की, इन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन दी कि जो स्पीशीज होते हैं, जो स्पीशीज की कम्युनिटी होती है, अलग अलग प्रजातियां हैं, उनके समुदाय हैं, उनकी जनसंख्या है, तो ये अलग अलग प्रजातियों की जो जनसंख्याएं होती हैं ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इनका आपस में किस प्रकार का इंटरैक्शन होता है, किस प्रकार का आपस में संबंध होता है, किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया ये करते हैं, इसका जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्रॉ करना था वो इन दोनों ने किया। अब हम मित्रों बात करेंगे अपने मॉडर्न टाइम की, हमारा जो मॉडर्न टाइम चल रहा है इकोलॉजी के कंसेप्ट में। तो 1950 के दशक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है ईपी ओडम का। ईपी ओडम, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जिसका कि टांसले ने वर्ड कॉइन किया था, तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम, इसकी जो इकोलॉजी, यानी कि इकोसिस्टम इकोलॉजी के बारे में जो इंपॉर्टेंट स्टडीज की हैं वो ईपी ओडम ने की है। यह अमेरिकन
नेचुरलिस्ट थे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। तो जो 50 का जो दशक रहा उस दौरान इन्होंने अपने ब्रदर के साथ में मिलकर के वर्क किया। इन्होंने जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जो एनर्जी फ्लो होता है, ऊर्जा का जो संचार होता है, उसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट अध्ययन किया। और 1950 के दशक से लेकर के 1959 के आसपास से लेकर के अब तक, इस समय तक भी एपी ओडम का जो वर्क है वो बहुत ही महत्व का माना जाता है और वही हमें गाइडेंस प्रदान करता है इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एपी ओडम हमारे मॉडर्न टाइम्स के इकोलॉजिस्ट, हमारे समय के पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं। पारिस्थितिकी का इतिहास आगे चलता जा रहा है। आज के लिए पारिस्थितिकी के इतिहास में इतना ही। इतिहास बहुत वृहद है, बहुत विस्तृत है, इसमें बहुत कुछ है, परंतु मित्रों हमने एक संक्षेप में, ब्रीफ में इकोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने समझने का आज प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी तरह से पारिस्थितिकी की चर्चाओं के लिए मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।